मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या, तेरी मेरी कहानी मोहब्बत बरसा देना। तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल एंड आई एम मेघा, मिशिका की मम्मी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे दी की वॉइस को क्या हुआ, तो एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। मैंने जैसा कि कल आपको बोला था कि जम के बारिश हो रही है और जब मौसम चेंज होता है सो कोल्ड होना तो बनता है, एंड यस मुझे कोल्ड हो रखा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दी इस तरीके से क्यों बैठी हुई हैं, हेयर बैंड वगैरह लगा के। सो एक्चुअली में मैं हो रही थी तैयार, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। पता नहीं मुझे आगे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ब्लॉग आज भी जाएगा या कल जाएगा, क्योंकि टाइम मिलने के ऊपर है। बाबू मुझे बोल रहे हैं जल्दी से रेडी हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और हमें चलना है मार्केट और साथ ही साथ मैं कहीं घूमने जाऊँगी। सो मैंने कहा ओके मैं रेडी हो जाती हूँ। सो मैंने कहा आप लोगों के साथ क्यों ना रेडी हो जाऊँगा। सो मैंने कहा इसको प्लीज़ माइंड मत करना। चलिए मैं रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और चलते हैं हम मार्केट। आज मैं आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी, और अगर मैं ऐसे करूँ ना तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। ये देखिए मुझे मतलब यहाँ पे रेड रेड भी हो रहा है। तो चलिए पहले हम रेडी हो जाते हैं, ठीक है? बहुत बातें हो गई। सो गाइज, मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, और जो भी मेरा स्किन केयर था वो मैंने कर लिया है। इसके बाद मैंने सीधा SQ का कंसीलर प्लस फाउंडेशन प्लस कलर करेक्टर ये लगाया हुआ है। सेड नंबर सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दूंगी विथ नेम, सो आप लोग चेकआउट कर लेना अगर आप लोगों को चाहिए हो तो। सो मैंने अपना जो फाउंडेशन है वो अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी। आप लोगों को पता है कि मुझे अभी, मैंने बताया भी था कि मुझे डार्क सर्कल्स कुछ हो चुके हैं और थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, सो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंसीलर भी लगाऊंगी। हम लेडीज़ चाहे कितना भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन कहीं जाते हैं ना तो अच्छे से रेडी होके जाते हैं, और इतना कितने लोग करते हैं ऐसा मुझे बताइएगा ज़रूर। उसके बाद मैंने ये कॉम्पैक्ट पर्पल एंड न्यू लॉन्च किया है शायद, सो यस मेरी PR पैकेज में आया हुआ था। सो मैंने सोचा इसको यूज़ करके देखती हूँ, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं अभी 2-3 बार और यूज़ करके देख के फिर बताऊँगी आप लोगों को मुझे कैसा लगा। आज मैंने वेरी फर्स्ट टाइम यूज़ किया, लेकिन जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ मेरा फेस का वेस जो था वो अच्छा था, बारिश भी हो गई थी, फिर भी अभी नहीं इतना मेकअप नहीं निकला, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोलूँगी 1-2 बार और ट्राई कर लूँ, उसके बाद बताऊंगी। मैंने उसके बाद अपना कॉम्पैक्ट लगाने के बाद मैंने लगाया यहाँ पे लैक्मी का लाइनर, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। आप लोग सोच रहे होंगे एप्लीकेटर तो नहीं लग रहा लैक्मी का, और ये एप्लीकेटर मैं आप लोगों को बता दूँ 1 साल से पुराना है, और ये एप्लीकेटर मुझे इतना अच्छा लगता है इसका कि मैं क्या बताऊँ, बड़ा ही स्मूथ है। और शायद आप यकीन नहीं करेंगे, 40 रुपये की लाइनर में ये एप्लीकेटर मुझे मिला था, जो कि आज के टाइम पर मैं कोई सा भी लाइनर लगाऊँ इसी एप्लीकेटर से लगाती हूँ, वो भी लिक्विड। एंड उसके बाद मैंने ये SQ का बड़ास वाला काजल लगाया हुआ है, और SQ ने बहुत ही अच्छा काजल लॉन्च किए हैं। मतलब अभी कलरफुल सोर्स में से मैंने ये सिमरी सिल्वर कलर लिया है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। कई लोगों को लाइनर लगा के काजल उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इस टाइप का कुछ ट्राई करना बहुत ही अलग लुक आता है। सो मैंने यहाँ पे अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन कर लिया है और अच्छे से इस पुली की हेल्प से उनको सेट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल की लिपस्टिक लगाई हुई है, जो कि इतनी अच्छा कलर है ना कि मैं क्या बताऊँ। और इन सारी प्रोडक्ट्स पे अच्छी खासी सेल चल रही है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, और मुझे तो थोड़ा सा रेडी होना ही था। और यही लिपस्टिक, क्योंकि ये पिंक है सो मैंने इसी लिपस्टिक को लेके अपने चीक्स पे लगा लिया है, और इसको ब्लेंड कर दूंगी। मैं आप लोगों को बता दूं, ये इतनी अच्छी है ना कि बिल्कुल नेचुरल लुक देती है, मतलब अगर आप चीक्स पे लगाते हो ना तो नेचुरल आता है। ये है मेरा फाइनल लुक। सो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे बिंदी नहीं मिल रही, मुझे बिंदी लगानी थी, बिना बिंदी के मुँह बहुत अजीब लग रहा है। और
अभी मुझे मार्केट निकलना है, मैंने लिपस्टिक को थोड़ा डार्क कर लिया है, मस्कारा लगाना भूल गई थी सो मस्कारा लगा लिया है, और यस थोड़ा सा बेस अच्छा कर लिया है, क्योंकि अगर बेस आपका अच्छा नहीं रहता है तो आपका फेस बहुत ही अजीब लगता है। वैसे ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो डल लग रहा था, सो मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया था कि फेस थोड़ा अच्छा लगे। और चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब, हम लेडीज़ की ये आदत होती, चाहे कितनी तबीयत ख़राब हो जाए हमें तो घूमने से मतलब है। सो अभी मेरी भी तबीयत ख़राब है, बट फिर भी बाबू ने बोला कि चलो हम घूमने चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। सो मैंने कहा क्यों ना मैं चली जाऊँ, और यस अगर मेरे लिए सरप्राइज़ है सो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है। सो अभी मैंने मेरी उनसे बात हुई, मैं इतने दिन से देर से उनका वेट कर रही थी, मोबाइल चलाए जा रही थी, उनको कॉल कर रही थी आ जाओ आप, मैं रेडी हूँ रेडी हूँ रेडी हूँ, तब उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो यहाँ तक तुम ऑटो से आ जाओ, वहाँ से मैं पिकअप कर लूँगा। सो यस मैं वहाँ तक जा रही हूँ, और ये वाला लुक आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, बड़ा ही न्यूड सा लुक रखा है मैंने। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को पसंद आएगा, एंड मैं नहीं चाहती थी कि विदाउट मेकअप आज मेरा चेहरा जो है वो बहुत डल लग रहा था। जब आपकी तबीयत ख़राब होती है सो ऑब्वियसली आपका फेस जो होता है, ऑब्वियसली आपका जो फेस होता है वो थोड़ा सा डल हो जाता है। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। हाइलाइटर ब्लशर वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया है, जस्ट ये गोल्डन कलर का काजल लगाया है जो कि SQ में न्यू लॉन्च हुआ है, और लाइनर लिपस्टिक और अपना वेस बनाया है। तो चलिए हम चल लेते हैं, नहीं तो मैं फालतू में आप लोगों से बात करते 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 आप लोगों की अपनी गप्पड़तान सुनाते सुनाते लेट हो जाऊँगी। तो चलिए हम चलते हैं। ओके सो गाइज मैं आ गई हूँ अपने वहीं पे जहाँ मुझे आना था शॉपिंग करने के लिए। सो ये भी बाजार है, कहीं कहीं यहाँ पे 50% ऑफ मिल रहा था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एंड यस 50% ऑफ मिल रहा था। सो मैंने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज की हैं, लेकिन मुझे सच बताऊँ अपने लिए कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, मैं मिशिका के लिए ही देख रही थी, एंड मुझे अपने लिए यहाँ से कुछ लेना भी नहीं है। आप लोगों को पता चल जाएगा कुछ दिन में मैं कहीं जा रही हूँ, सो मुझे जो भी लेना है वहाँ पे लेना है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे एंड काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो मतलब आपके कपड़े हों चाहे कोई प्रोडक्ट्स हों, सो सब कुछ अच्छा मिलता है। और ये वहाँ पे डाइनिंग सेट वगैरह था, सो मैंने पहले सोचा कि मैं ले लूँ, और मैंने मतलब पसंद भी कर लिया था। ये वाला मैं दिखाती हूँ, ये वाला जो ऊपर रखा था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मैंने जब इनको बोला तो इन्होंने बोला कि जब शिफ्ट होना है तो क्यों ले रही हो। सो ये सब वहाँ पे मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है नहीं लेते। फिर हम लोग वहाँ से चले गए थे साड़ी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे साड़ी नहीं मिलती है। सो मैं वहाँ से सीधी निकल आई थी, सो ये रास्ते का है। और साड़ी लेने के बाद मैं चली जाती हूँ कहाँ पे, मतलब साड़ी ले लेती हूँ और अपना कुछ और सामान ले लेती हूँ, फिर आ जाती हूँ मैं घर पे। सो मैं आप लोगों को घर पे मिलूँगी, एंड यस मतलब इतने टाइम इतनी मतलब क्योंकि बारिश हो गई थी, सो हम लोग हल्का हल्का गीले थे, एंड गीले की वजह से हम लोगों को वैसे ही मुझे इतना जुकाम था, ऊपर से मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि मैं आप लोगों की क्या बताऊँ। देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, यहाँ से मैं सीधा आने के बाद ही शूट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों तक ब्लॉग चला जाए, नहीं तो आज ब्लॉग स्किप हो जाएगा, आज ब्लॉग नहीं जा पाता। और मुझे ये रहता है कि आप लोग बोलते हो दी हम मिस करते हैं आपको, आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया। सो मुझे लगता है कि चाहे कुछ हो जाए, मतलब मैं भले ही कुछ भी जो मैं कर रही हूँ वही शूट करके डालूंगी, लेकिन मेरे व्यूवर तक मेरी अपडेट्स जानी चाहिए कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। सो आई होप गाइज कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत हम करते हैं आपका एक लाइक मांगते हैं। चलिए मिलते हैं हम घर पर। सो गाइज मैं आ गई हूँ घर पर, और आज पूरा दिन निकल गया मार्केट में, सर पेन होने लगा है, मतलब मैं निकली ही थी ऐसे टाइम पे कि अभी देखो संजा हो रही है, मतलब हमारे यहाँ पे दिया बत्ती हो रही है जब मैं ये शूट कर रही हूँ। सो बिल्कुल अभी शूट करके मैं तुरंत डालने वाली हूँ इस वीडियो को। और मैंने कितनी सारी शॉपिंग की आज, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, इनफैक्ट मैंने पति का जेब ही खाली करवा दी इतनी शॉपिंग कर ली। हालांकि मैंने नहीं, बाबू ने खुद बोला कि तुम्हें जो लेना है ले लो और दमो चलना है, इसलिए भी सबसे पहले मैं उनको हमेशा बोलती रहती हूँ कि मुझे बहुत कंप्लेन आती है कि मेरा फोकस अनफोकस होता है मोबाइल। सो उन्होंने मुझे सबसे पहला जो बड़ा गिफ्ट है वो है, इतना बड़ा गिफ्ट ये वाला मोबाइल दिलाया है जो कि है ओप्पो का A9। ये अभी 2-3-4 दिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि अभी न्यू ही लॉन्च हुआ है। इसमें पीछे 2 कैमरे हैं, आगे 1 कैमरा है, और यस फिंगरप्रिंट है, इसमें हैंड फ्री है, और इस चार्जर तो होता ही है, नहीं तो ओप्पो में ना मैंने ये मेरी जो ये अभी जिससे मैं सूट करी ये भी ओप्पो का है, बट इसका नहीं पता ये कौन सा है। सो इसमें मुझे चार्जर मिला था, मुझे हैंड फ्री नहीं मिला था। सो ये 4GB है,
4 GB रैम है शायद इसकी, बहुत ही अच्छा मोबाइल लगा। इसका यही कलर है, बाबू उसको लेके कहीं निकल गए, सो मैंने कहा चलो मैं सिर्फ डिब्बा दिखा देती हूँ और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सो कल अगर बाबू जब आ जाएंगे लेके मोबाइल, क्योंकि मैंने ना उसमें एक चीज़ हो रही है कि जो मोबाइल है वो, बाकी मुझे सारी चीज़ें उसकी अच्छी लगी, लेकिन मुझे चाहिए था जूम वाला, ताकि मैं अगर आई मेकअप वगैरह कुछ क्रिएट करती हूँ सो मैं जूम में वो चीज़ दिखा पाऊँ जो कि उसमें नहीं है। सो देखते हैं इस मोबाइल का क्या करना है, क्योंकि ये मुझे बाबू ने सरप्राइज़ दिया है, आज ही आया है, लेकिन मैं इसको साथ में लेने नहीं गई, सो मैं वहाँ पर वो बता ही नहीं पाई कि मुझे कौन सा चाहिए। सो ये मुझे अच्छा लगा और यस, काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप लोग व्लॉग वगैरह बनाना चाहते हो और आप सोच रहे हो कौन सा मोबाइल ले लें, सो मेरा शायद ये A5 है, मुझे नहीं याद, देखो सच बताऊँ मुझे याद नहीं है, लेकिन ये A9 है और बहुत ही अच्छा मोबाइल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत हो गया इसका बखाना। फिर अब मैं मिशिका के लिए कुछ कपड़े लेके आई हूँ वहीं के लिए। सो पहले तो फर्स्ट ये लेके आई हूँ और ये फुल स्लीव्स में है, इसलिए मैं ये वाला लेके आई हूँ क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। ये देखिए इस पर छाते भी बने हुए हैं। मिसिका के लिए ही कपड़े लाई हूँ, मैं खुद के लिए भी लाई हूँ, बाबू के लिए नहीं लाई हूँ क्योंकि उनको जहाँ से लेना है वो खुद लेके आएंगे। और ये मिसिका के लिए ये पैंट है और ये एक कोटी है मिसिका के लिए ही लेके आई हूँ। वो इतना मोटा कपड़ा है ना इसका कि अभी बारिश के मौसम में कई बार पापा मम्मी लोग बोलने लग जाते हैं कि पतला कपड़ा मत पहनाओ, मोटा पहना दो, तो ये ऊपर से डाल देंगे सो हो जाएगा, और इस कोटी के नीचे आएगा ये, तो ये 3 का सेट आया हुआ है ये, और काफ़ी अफोर्डेबल थे, 650 रुपये का है ये, ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये 400 का है एक, और एक मैं इसके लिए ये फ्रॉक लेके आई हूँ, अगेन एक थी उसके पास लेकिन मैं ये छोटी साइज में लेके आई हूँ। और ये सब मैं लेके आई हूँ, हमारे यहाँ पे एक भी बाज़ार है, भी बाज़ार गई थी, सो जो छतरपुर के लोग हैं वो जानते होंगे। और मिसिका ने गॉगल की इतनी ज़्यादा जिद की कि मुझे उसके लिए गॉगल लेना पड़ा, सो ये वाला गॉगल लिया, हालांकि मैं उसको लगाने नहीं दूंगी लेकिन उसकी जिद थी सो मैंने दिलवा दिया। और कई लोग बोलेंगे कि इतनी सी बच्ची को गॉगल क्यों, लेकिन वो जिद कर रही थी, और होता है माँ बाप नहीं देख पाते हैं बच्चा जिद करे और उसको ना दिलवाए। और मैं एक ये मिसिका के लिए लेके आई हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्यूट भी है ना, सो ये, और ये उसके साथ दी गई है, सो ये। एंड मैं अब अपने लिए बता दूं कि आप लोगों को क्या लेके आई हूँ। सो मैं एक साड़ी ये लेके आई हूँ, और ये साड़ी बहुत सस्ती है, 300-300 रुपए की हैं और डेली यूज़ के लिए अच्छी हैं। तो अभी क्या है ना कि देखो, आपको पता है मैं ससुराल जाती हूँ तो क्या होता है, वही वही साड़ी अच्छी भी नहीं लगती, सो ऐसी ले लो कि हल्की फुल्की हो, आपसे संभालते बने, क्योंकि साड़ियों में मुझे दिक्कत होती है कभी कभी, सो वो संभालते बने और सेकंड अच्छी भी लगे। अगर ये पहनते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है, जैसे उस दिन मैंने वो वाली साड़ी पहनी थी, सो आप लोगों ने भयंकर भयंकर मीन्स बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। सो ये ग्रीन है और अभी रक्षाबंधन पे काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो एक मैं ये लेके आई हूँ, एक साड़ी मैं ये लेके आई हूँ। इनके कपड़े जो हैं वो सिफॉन के हैं और बहुत सुंदर कपड़े हैं, पहनूंगी सो देख लेना कैसी लगती हैं। और एक मैं ये लेके आई हूँ, इस पर घड़े बने हुए हैं, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी साड़ी लगी, ये देखिए इस पर ये घड़े बने हुए। सो एक साड़ी ये लेके आई हूँ, और मैं क्या लेके आई हूँ, और मैं थोड़ा सा कुछ लेके आई हूँ दिखाती हूँ गाइस। ये मैं एक मिसिका के लिए पर्स लेके आई हूँ जो कि बहुत ही प्यारा है, ये कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छा पर्स है ये, तो मिसिका को ये पसंद आया, ये देखिए अभी भी चिल्ला रही है। और एक मिसिका के लिए ये लेके आई हूँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, अगर मिसिका नहीं लगाएगी सो मैं लगा लूँगी, मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह अगर कभी करती हूँ ना सो उसमें हेल्पफुल हो जाता है, सो ये लेके आई हूँ। और अगर आप लोगों को ये इसका अच्छा भी ना लगे तो कुछ दिन निकाल दो इसको और यहाँ पे कुछ DIY वर्क करके लगा भी सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से, सो ये इसमें DIY हो भी जाएगा। एंड मैं अपने लिए जो लेके आई हूँ मैं दिखा दूँ, सबसे पहले तो मैं अपने लिए बिछिया लेके आई हूँ, और ये चांदी के हैं, और ये बिछिया मैं इसलिए लेके आई हूँ कि मैं एक एक पहनती हूँ, और कई सारे लोग बोलते हैं कि दी दो दो पहना करो, आप लोग नहीं, आप लोगों ने तो देखा नहीं, जैसे जो यहाँ आजू बाजू के वो कहते हैं दो दो पहना करो ज़्यादा अच्छा लगता है, मोस्ट ऑफ दी टाइम एक एक पहनती हूँ, सो मैंने सोचा कि इस बार दो दो पहनूंगी, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है, कभी बैक कैमरे में दिखा दूँगी जब पहनूंगी। और ये देखिए ये लाई हूँ मैं ईयर रिंग जो कि मैंने अभी डाल के देखे, सो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे,
कितना प्यारा कलर है। और ये ना सिंपल साड़ी हो, मेकअप ट्यूटोरियल के लिए तो हो ही जाएगा। और जो मैंने ग्रीन वाली साड़ी ली है, अगर वो मैं पहनी कभी, सो उस पे ये जो है ना बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना, मुझे बहुत पसंद आए। सिंपल और सोबर जो चीज़ होती है ना, कि सिर्फ मेकअप कर लो, इयररिंग डाल लो और अच्छे लगते हैं। सो यस, ये मुझे बहुत प्यारा लगा और बहुत ही प्यारा। सो बताना गाइज आप लोगों को ये सब मैंने जो शॉपिंग की है कैसी लगी। हालांकि मैंने थोड़ी शॉपिंग की है, लेकिन यस अच्छा खासा बजट निकल गया हम लोगों का इसमें। और इयररिंग मुझे ये पसंद आए थे, एक जोड़ी मुझे कंगन बहुत पसंद आए थे, जो कि मेरे साइज़ के नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे मेरे साइज़ के। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बताया कि चले गए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं तो बिल्कुल इससे मैच कर रहे थे वो इयररिंग, बिल्कुल सेम टू सेम इसी से मैच कर रहे थे। मुझे वो बहुत, इयररिंग नहीं सॉरी कंगन, कंगन इससे ही मैच कर रहे थे, सो वो मुझे नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, बैड लक है ना। सो गाइज आज का ब्लॉग, आपको ये ब्लॉग कम वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, कैसा लगा आप लोगों को कि हम लोगों ने इतनी शॉपिंग की हो है। और आज मेरी थोड़ी सी, मैं थोड़ी सी टायर्डनेस लग रही होगी मेरे फेस पे, सो प्लीज़ उसको माइंड मत करना, क्योंकि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप कितना भी एफर्ट डालो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कल भी आप लोगों ने इतना बोला दी आई मिस योर ब्लॉग, सो मुझे करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग मिस भी करते हैं, कई लोगों को नहीं पसंद आता बट कई लोगों को पसंद आता, सो ज़रूर बताना। और ये जो शॉपिंग की है ना, मैंने नहीं की, आप लोग इसमें मत रहना कि ये सब मैंने मेरे पैसों से लिया है, नहीं। जब भी मुझे मेरी जो चीज़ों की ज़रूरत होती है या इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब बाबू करवाते हैं, मैं खुद से नहीं करती हूँ। इनफैक्ट अभी तो मेरी पेमेंट आ गई है इस मंथ की, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आई। और आप लोग बोल रहे कि दी आपकी दूसरी पेमेंट मिल गई, तो यस मेरी दूसरी पेमेंट मिल गई है, लेकिन अब हर महीने पेमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बताऊं कि हर मंथ मेरी पेमेंट कितनी आई, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं हर मंथ कितनी पेमेंट आती है रियल और विद प्रूफ के साथ बताऊंगी कि कितनी आई। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय, आई लव यू और सी यू सून, बाय।